कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं आई हूँ स्टूडियो एक्सप्लोर करने के लिए। दिवाली का स्टॉक कैसा आया है बस वो देखने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे एथनिक वेयर में कुछ लेना था। तो जैसे ही मैं एंटर हुई, मेरी नज़र इस मैनिक्विन पे पड़ी जिसने बहुत ही थ्री पीस सेट पहना था, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था एंड मुझे पूरी दिवाली वाइब्स दे रहा था। फिर मैंने एथनिक वेयर में चेकआउट करना शुरू किया। मुझे ये वाली कुर्ती बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसकी प्राइस थी 799। फिर मुझे एक आलिया कट पैटर्न वाली कुर्ती दिखी जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी और इसकी प्राइस भी थी 899, प्लस इसका मटेरियल कॉटन था एंड आई लव कॉटन। फिर मुझे ये मैरून कलर की कुर्ती बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, पूरी मुझे दिवाली वाइब्स दे रही थी। दिवाली पे आप सुबह पूजा में पहन सकते हो, धनतेरस के दिन पहन सकते हो, दिवाली के नेक्स्ट डे पहन सकते हो। फिर मुझे ना ये एक और ड्रेस अच्छा लगा, ये सारे जो ड्रेसेस मैंने अभी दिखाए ना, आप इनको एज अ वन पीस भी पहन सकते हो, या फिर आप इनके नीचे है ना कुछ पैर लेगिंग्स वगैरह पहन के, प्लाजो वगैरह पहन के पूरा इंडियन अटायर रेडी कर सकते हो। फिर मैंने कॉटन की कुर्तीज़ चेकआउट की 299 में। डेली वेयर की कुर्तीज़ इतनी ज़्यादा कलेक्शन अच्छा नहीं था, बट ओके था। एंड 499 में तो मुझे सिर्फ एक कुर्ती है रेड वाली अच्छी लगी, क्योंकि बाकी सारी ब्लैक थी एंड मैं नए दिन ब्लैक पहनना इतना ज़्यादा प्रिफर नहीं करती। यहाँ पे आपको प्लाजोस वगैरह मिल जाएंगे 399 में। नेक्स्ट यहाँ पे ना कॉर्सेट्स का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आया हुआ है। जैसे ये जो वाला कॉर्सेट था ना, इसके प्लाजो की पैंट थी 599 एंड ऊपर क्रॉप टॉप की प्राइस थी 399। पहनने के बाद पूरा सेट होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। एंड आजकल कॉर्सेट्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। और यहाँ पे ये जो मैनिक्विन ड्रेस पहना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया था। ये मैं हूँ, आपको हाय बोल रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि पूरा एक बार चेकआउट करती हूँ कि क्या और नया कलेक्शन आया है। तो मुझे ये डंगरी दिखी 999 में, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। ये सारे टॉप्स यहाँ पे मिल रहे थे। यहाँ पे ना टी शर्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं, मीन्स जूडियो के टी शर्ट्स हो गए, जीन्स हो गए। मेनली यहाँ के वन पीस भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल रेट में हमको बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। यहाँ पे टी शर्ट्स, ये सारे टी शर्ट्स मिल रहे थे 200 में, 200 के। जो ये इस पर कोट्स लिखा हुआ होता है, मैं पर्सनली प्रीफर करती हूँ प्लेन टी शर्ट्स, लेकिन मुझे इस बार स्टूडियो में वो दिखे ही नहीं। मीन्स प्लेन टी शर्ट्स कहीं नहीं थे, सारे उनके ऊपर लिखा हुआ था, मतलब पता नहीं कहाँ गए और क्यों नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने वन पीस चेकआउट किए जो एथनिक वेयर में भी आते हैं। आप बाहर कभी बाहर जाओ ना तो पहनो, तो बहुत अच्छे लगते हैं। जयपुर वगैरह जाओ तो भी अच्छे लगते हैं, मतलब ये वेस्टर्न में नहीं आते, एथनिक में आते। एंड इनकी क्वालिटी मस्त होती है, प्राइस भी इनकी अच्छी ही होती है, बहुत ज़्यादा रीजनेबल रेट्स पे हमको मिल जाते हैं। फिर मैंने 499 में ये सैटिन के टॉप्स देखे, इनके स्लीव्स की पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जब इलास्टिक आता है ना तो पूरा लुक ही बदल जाता है। ये सारे मिल रहे थे 499 में, कलर्स भी इनमें अवेलेबल थे, पैटर्न भी अवेलेबल थी। फिर मैंने 399 वाले टॉप्स देखे, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी थे। डेली टी शर्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, इनमें जो पैटर्न वाले भी थे। आप प्लेन प्रीफर करते हो तो प्लेन प्रीफर करो, प्लेन में कलर्स भी अवेलेबल थे। एंड जूडियो में ना नाइट सूट्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। मैंने थोड़े बहुत नाइट सूट्स चेकआउट किए, मीन्स ये पूरे कॉर्ड सेट्स में मिलते हैं ना तो सेम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते, अलग अलग हो तो वो थोड़े इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते मुझे। फिर मैंने वन पीस देखे और वेस्टर्न में, जिनकी प्राइस थी 899, अलग अलग प्राइस के थे, अलग अलग वेराइटी भी थी, बहुत ही ज़्यादा नया कलेक्शन आया हुआ है। एथनिक वेयर मुझे यहाँ पे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि दिवाली है ना तो दिवाली वाइब्स बहुत ही ज़्यादा दे रहा था। विंटर का सीज़न है इसलिए यहाँ पे स्वेटर्स भी मिल रहे थे। इन सारी प्राइजेस में यहाँ पे आपको दिखा भी रही हूँ कि किसकी प्राइस क्या है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ये बूट्स अच्छे लगे और इनकी प्राइस थी 999। क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी एंड प्राइस बहुत ज़्यादा रीजनेबल थी। फिर मैंने और टॉप्स देखे ऐसे बाहर पहनने के लिए, जिनकी प्राइस थी 499, 599, अलग अलग प्राइस थी। जो ये फैंसी टॉप्स होते ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जूडियो में ना आपको जीन्स बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रेट्स पे मिल जाएंगे, जैसे 899, 999, 999। इनके जो रेट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल होते हैं। फिर मेरे को ये टेपर जीन्स दिखा जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, सारा से ये शुरू हुआ था और इसकी प्राइस यहाँ पे जस्ट 899 थी, 900 में मिल रहा था। फिर मैंने थोड़े और क्रॉप टॉप्स चेकआउट किए, ये फ्लोरल वाला क्रॉप टॉप मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। नेट का यहाँ पे वन पीस भी मिल रहा था, नेट फैब्रिक का कलेक्शन गाइस बहुत ज़्यादा बढ़िया आया हुआ है। नेक्स्ट मुझे ये जो वन पीस है ना, ये पर्सनली इतना अच्छा लगा। लास्ट टाइम इसमें मैंने सेम पिंक वाला लिया था, लेकिन जो पीछे से पूरा बैकलेस था, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, ट्राई ऑन पार्ट में आप खुद चेकआउट करना और फिर मुझे बोलना।
नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये कार्गो पैंट्स वगैरह देखे, स्वेटशर्ट्स देखे, सीज़न चेंज हो रहा है ना तो यहाँ पे स्वेटशर्ट का कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा आया हुआ था। टॉप्स तो मिल ही रहे थे, बहुत बढ़िया बढ़िया स्वेटशर्ट्स थे उनमें, स्वेटशर्ट में वन पीस भी आपको मिल रहा था, बॉडीकॉन ड्रेसेस यहाँ पे मिल रहे थे, फैंसी टॉप्स मिल जाएंगे, प्लेन टी शर्ट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट ना मैंने यहाँ पे हुडीज़ देखे, आई मीन नॉट हुडी, विंटर वेयर देखा, जिसकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी 599 से। 499 में ये शर्ट्स मिल रहे थे स्ट्राइप्स वाले, इनमें कलर्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, पिंक था, ब्लू था। नेक्स्ट मुझे ये एक और क्यूट टॉप लगा वाइट कलर का, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और इसकी प्राइस थी जस्ट रुपीज़ 499। इनमें कलर्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, साइजेस भी सारी मिल रही थी। आप स्टूडियो एक बार ज़रूर चेकआउट करना, और एथनिक वेयर के लिए तो पक्का स्टूडियो ज़रूर आना। नेक्स्ट ये शर्ट क्रॉप शर्ट मिल रहा था। नेक्स्ट मुझे ये वाले पैंट्स है ना गाइस, ये मैंने मार्केट में हर मुंबई में हर मार्केट में ट्राई किया, इनकी प्राइस मुझे कोई भी ना 1200-1500 के नीचे नहीं दे रहा था, लेकिन जूडियो में ये सिर्फ 999 में मिल रहे हैं। क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया, इतना सॉफ्ट मटेरियल है ना इनका, वन पीस इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जूडियो फेमस किस लिए मालूम, जीन्स के लिए, टी शर्ट्स के लिए एंड वन पीस के लिए। वन पीस आपको कॉटन के भी मिल जाते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया क्वालिटी में मिलते हैं ना गाइस कि मैं आपको क्या बताऊं। ये वाले सारे वन पीस मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, कलर्स इनमें मिल जाते हैं, वैरायटी इनमें आपको मिल जाती है। फिर मुझे ये वाला एक टॉप दिखा जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना, ये वाइट कलर का टॉप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और इसकी प्राइस भी थी जस्ट रुपीज़ 599। स्वेटशर्ट्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा आया हुआ है, पैंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। चलो अभी आते हैं फुटवेयर में। फुटवेयर में सबसे पहले मैं शूज़ देखती हूँ, क्योंकि मुझे शूज़ लेने का है, लेकिन मुझे कोई भी मेरे टाइप का शूज़ मिल ही नहीं रहा है। मैं इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ ना लेते समय कि ये अच्छा लगेगा क्या, ये सब पे जाएगा क्या। फिर मैंने ये क्रॉक्स देखे और इनकी प्राइस ना बहुत बढ़िया थी, 400 में ये क्रॉक्स मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और ये सारे शूज़ तो मिल रहे थे जस्ट फॉर रुपीज़ 300, कोई भी लो आप 300। और इनमें सारे ये न्यूड कलर्स थे ना, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, जैसे ये पाउडर ब्लू, पाउडर पिंक कलर, न्यूड कलर सारे। 299 में आपको एथनिक वेयर भी मिल जाएंगे, आपको सैंडल्स मिल रहे थे, फ्लैट्स मिल रहे थे, ये सारे फ्लैट्स की प्राइस थी जस्ट रुपीज़ 300। नेक्स्ट ना यहाँ पे एथनिक वेयर में ना हैंडवर्क वाले फ्लैट्स भी आपको मिल रहे थे और इनकी प्राइस थी 499, 500 में आपको ये फ्लैट्स मिलेंगे। इतनी बढ़िया क्वालिटी होती है ना इनकी, मैं बहुत यूज़ करती हूँ, मेरे चप्पल मोस्टली जूडियो के होते या फिर स्ट्रीट शॉपिंग के ही होते, मैं कोई और ब्रांड चेकआउट नहीं करती। और ये वाले तो जस्ट रुपीज़ 200 में है, जो मैं रेगुलर यूज़ में पहनती हूँ अभी। ये वाले 300 में थे, टैन कलर्स बहुत ही ज़्यादा रॉयल लगते हैं पहनने के बाद, हर आउटफिट के साथ चले जाते, इंडियन वेस्टर्न दोनों पे चले जाते ये वाले। कलेक्शन आप खुद देख ही सकते हो कि कितना बढ़िया आया हुआ है, तो चेकआउट ज़रूर करना। चलो अभी मैं आपको ट्राई ऑन पार्ट में लेके चलती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो देखा ना, सबसे पहले मैंने ट्राई भी वही किया, ये थ्री पीस सेट है। नीचे आपको मिल जाता है प्लाजो, कली वाला प्लाजो होता, एंड ऊपर आपको मिलता है क्रॉप टॉप, एंड ऊपर एक मिलता है जैकेट। तीनों ना बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जो वो ब्लाउज़ है ना क्रॉप टॉप, उस पर पूरा सीक्वेंस का वर्क है, जो जैकेट है ना उसमें बहुत बढ़िया फ्लेयर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा फ्लेयर है, स्लीव्स इसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट सेकंड वाला ड्रेस देखा ना मैंने, ये वाला, ये कॉटन मटेरियल खादी मटेरियल का था, इस पर फॉयल मिरर वर्क था, बहुत ही नवरात्रि वाइब्स भी दे रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सी थ्रू था। आप नीचे पैंट पहनना ही पड़ेगा आपको, आप डायरेक्टली ऐसे नहीं पहन पाओगे, स्लीव्स इसकी थोड़ी शॉर्ट थी। नेक्स्ट मुझे ये कुर्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, ये कलर इतना ज़्यादा प्रीटी है, स्लीव्स की पैटर्न इतनी ज़्यादा प्रीटी है, नेक डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दी हुई है, मींस पूरी प्रॉपर मुझे दिवाली वाइब्स ना सिर्फ इस कुर्ती को देखकर आ रही थी और किसी को नहीं। आप स्लिट वाली कुर्ती है, नीचे आप लेगिन पहनो, दुपट्टा लो, एंड यू आर गुड टू गो। मुझे पर्सनली ये कुर्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, एंड कॉटन मटेरियल, मुझे कॉटन बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट ये वाला भी एक कॉटन मटेरियल था, ये वन पीस बहुत ज़्यादा अच्छा था। इस पे जो ये जो डिज़ाइन है ना, ये कोई फॉयल प्रिंट वगैरह नहीं है, ये प्रिंट नहीं है, ये कपड़ा ही वैसा है, मीन्स इसके ऊपर डिज़ाइन की हुई है वैसी। आगे आपको बटन्स मिल जाते हैं जो खुलते नहीं है, स्लीव्स की पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट मैंने ना कुछ एथनिक वेयर में वन पीस देखे, जैसे मैंने ये एक देखा जो बहुत ज़्यादा बढ़िया था, इसका मटेरियल भी ना पूरा इंडियन वाइब्स दे रहा था। आप जयपुर वगैरह घूमने वगैरह जाओ तो आप ऐसे पहन सकते हो, ये आपको इंडियन टच में भी रखेगा, प्लस आप वेस्टर्न में भी रहोगे। इसकी प्राइस भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, फ्लेयर इसका बहुत ज़्यादा बढ़िया था, मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट मैंने ये वाला वन पीस चेकआउट किया, मैं गलती से गलत साइज़ लेकर आ गई थी, इसकी स्लीव्स की पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ये आगे से ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ओवरलैप वाली पैटर्न थी,
नीचे अम्ब्रेला था, फ्लेयर इसका अच्छा खासा था, बस आगे से मुझे ये थोड़ा सा लूज़ हो रहा था क्योंकि मैं एक साइज़ अप लेकर आ गई थी। बाकी पैटर्न प्रिंट तो आप देख ही रहे हो कितनी मस्त लग रही है पहनने के बाद। फिर मैंने ये कॉर्ड सेट चेकआउट किया, कितना ज़्यादा प्रीटी था, इतना ब्रीथेबल फैब्रिक था, ये प्योर कॉटन मटेरियल में था, बस थोड़ा सीत्रू है, मीन्स थोड़ा तो सीत्रू मिलेगा ये वाला, लेकिन जो कंफर्टेबल था ना ये बहुत बढ़िया कंफर्टेबल था। ऊपर क्रॉप टॉप, नीचे ये प्लाजो पैंट, पॉकेट्स मिल जाते हैं, प्लस पॉइंट तो उसका ये ही है, बाकी तो आप खुद देख लो। इस वन पीस की मैं बात कर रही थी जो बहुत ही बढ़िया, एंड ट्विस्ट ये है कि पीछे उन्होंने इलास्टिक डिटेलिंग दी हुई है, जिससे जो कंफर्टेबल नहीं होते ना बैकलेस पहनने में, उनके लिए ना ये वन पीस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लास्ट टाइम मैंने इसमें पिंक लिया था, इस बार ये मैरून मिल रहा था, एंड वो भी इतना अच्छा। फिर मैं इन पैंट्स की बात कर रही थी, ये पैंट्स इतने कंफर्टेबल थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं 28 की साइज़ मैंने पहनी हुई है, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, और ये मटेरियल इतना ज़्यादा सॉफ्ट था, पूरा इतना कंफर्टेबल मुझे किसी पैंट्स में फ़ील नहीं हुआ जितना मुझे ये पैंट फील करवा रहा था। फिर मैंने इसमें सेम ब्लैक देखा, लेकिन इसके ब्लैक की जो मटेरियल था ना, क्वालिटी थी ना, वो अलग थी, थोड़ी पैटर्न भी डिफरेंट थी। पहनने के बाद नो डाउट अच्छा लग रहा था, लेकिन कपड़ा मुझे चुभ रहा था, मैं कंफर्टेबल नहीं थी इस फैब्रिक में कंपेयर टू उस फैब्रिक में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।